हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। बिल्कुल परमानेंट स्कूल टीचर वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से आ चुका है। हर साल यहां से वैकेंसी आती है और जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिस भी राज्य का होता है आप लोगों को बताया जाता है। फिलहाल 4 राज्यों से वैकेंसी आई है स्कूल टीचर्स की। अप्लाई कैसे करना है पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य में जिस भी जगह पर आप लोग जॉब करना चाहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी जो है अच्छा चांस रहता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर जो है बने रहते हैं। एक तो परमानेंट वैकेंसी रहती है और इनके द्वारा जितने सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो है टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये गोल्डन चांस जो है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का पहले सिलेक्शन हुआ लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे जो कि लास्ट प्रोसेस तक जो है रह गए, उसका रीज़न केवल दो ही हो सकता है, या तो फॉर्म जो है अच्छे तरीके से फिल नहीं किया, कोई ना कोई मिस्टेक रह गई, या फिर वहाँ सीट जो है फिल हो जाती है तो उसके बाद जो है नहीं लिया जाता है। तो जल्द से जल्द जो है आप आवेदन करने, लास्ट डेट का जो है वेट ना करें। तो चलिए 4 राज्य जहाँ से वैकेंसी है, तो सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कूल टीचर में ही एलिजिबिलिटी अभी हम चेक करेंगे। जॉब लोकेशन जो है वो आप पहले देख लें कि जॉब लोकेशन वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में वैकेंसी है, टोंक राजस्थान, सिरोही राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान, ठीक है, यहाँ वैकेंसी है। कर्नाटक में यादगिरी कर्नाटक और कालाबुर्गी, इन दो जगहों पर वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में धमतरी छत्तीसगढ़, इस जगह पर वैकेंसी है। स्कूल टीचर उत्तराखंड में वैकेंसी है, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, इन दो जगहों पर। इसी में जो है स्कूल काउंसलर की वैकेंसी भी है उत्तराखंड उधम सिंह नगर में, तो काउंसलर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये क्या मांग रहे हैं, तो यहाँ पर जो है प्री प्राइमरी, क्योंकि 12 तक के स्कूल हैं, प्री प्राइमरी से लेकर 12 तक, तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी टीचर की जो है यहाँ पर आवश्यकता है। प्री प्राइमरी के लिए कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, 12th या ग्रेजुएशन, उसके साथ में NTT कोर्स किया है, या फिर कोई भी इसके समान अगर कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स है आपका तो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो DEd BEd दोनों अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ में। हायर सेकेंडरी टीचर यानी 11th 12th को पढ़ाने के लिए तो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश या केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में होनी चाहिए, साथ में BEd भी होना चाहिए। पहले कोई अनुभव नहीं मांगते थे, यानी जिनके पास अनुभव है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जिनके पास कोई अनुभव नहीं था वो भी अप्लाई करते थे, बट इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस बार जो है ये चीज लिख दी है, मिनिमम ऑफ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, कम से कम 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी में भी आपने पढ़ाया हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है हिंदी और इंग्लिश यहां रहेगी। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और हिंदी में सक्षम हैं पढ़ाने में, तो आपको जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनके जो है हिंदी मीडियम में आपको भेजा जाएगा। अगर आप जो है CBSE से पढ़े हैं, इंग्लिश आपकी कमांड अच्छी है, इंग्लिश में आप पढ़ाना अच्छे से जानते हैं, तो आपको इंग्लिश मीडियम में भेज देंगे। जैसे पोस्ट खाली होंगी उसी जगह पर जो है आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको फॉर्म जो है अच्छे से फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और जो भी फॉर्म में लिखा हुआ है उसे पूरा फिल करें, कोई फीस नहीं देनी है। तो ये जो है 4 स्टेट मैंने आपको बता दिए जहाँ से वैकेंसी हैं, इनके जो है 12 तक के जो है स्कूल रहते हैं, क्या क्या जो है इनका काम रहता है, क्या क्या करवाना चाहते हैं टीचर्स से, तो बच्चों का जो है अच्छे से अच्छे विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ जो है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें भी बच्चे जो हैं आगे बढ़ें, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, जो स्कूल हैं उनकी प्रोग्रेस कैसे हो, बस यही सब, ठीक है। अब जो है देख लेते हैं कैसे जो है अप्लाई करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्क विद अस, यहाँ पर आप आए थे, अनाउंसमेंट सेक्शन थोड़ा सा नीचे आएंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन में लिखा है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट जो है स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन की भी है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, और बाकी जो स्कूल टीचर्स की है, तो 31 अगस्त 2024 को एक ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका होगा सैटरडे को, ठीक है। अब ये जो है घर पर ही लेते हैं या कोई ऐसी जगह जो है ये चूज़ करके बताते हैं, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा।
अप्लाई जो है आप कब तक कर सकते हैं? तो 24 अगस्त 2024 तक आपको अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है अगर आपका सब्जेक्ट है और आप जो है यहाँ पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं, फीस कोई नहीं है, तो ऐसे में जो है आप 24 अगस्त का वेट ना करें, आप पहले ही जो है अप्लाई कर दें। कैसे अप्लाई करना है तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ नीचे दिया हुआ है, कैसे जो है सिलेक्शन रहेगा। पहले जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो भी कैंडिडेट जो है रिटर्न टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका जो है इंटरव्यू होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। टू नो मोर एंड अप्लाई फॉर, आप रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पर जो है आप क्लिक कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस है कैसे जो है आपका रिटर्न टेस्ट, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते रहते हैं इंटरव्यू में जो है क्या होगा, ऑफर लेटर जो है वो कब आएगा, ये सारा जो है वो आप पढ़ लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं राजस्थान में, टोंक, बाड़मेर या सिरोही, तो बस इस पर क्लिक कर लेना है आपको। यहाँ पर अप्लाई नाउ इस पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही जिस भी राज्य में आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वहीं पर आपको क्लिक करना है। तो ये पेज जो है ओपन होगा, ये देखिए सबसे पहले जो है आपको इस फॉर्म को अच्छे से भरना है। पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। पहले भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया होगा, और जितनी जो है वैकेंसी होती है तो उतने कैंडिडेट को लिया जाता है। अगर आप किसी कारणवश रह गए हैं तो दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में जो है सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से जो है आसानी से फॉर्म फिल करेंगे। तो जिस भी राज्य के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो उसी पर जो है आप लोगों को क्लिक करना है। बस ये पूरी जानकारी थी। कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर जॉब रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ राइट टू, तो इस पर जो है आप लोग लिखकर अपना जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।